Hello people, welcome back to my channel. This is Akash Vimal. How you guys doing? And I'm back with another video. So this video is very important. I thought this is very important. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक video है. Because recently मेरे साथ कुछ हुआ. I'll tell you the story. Let's just begin this. तो रिसेंटली इट हैपेंड येस्टरडे मैं अपने डॉग्स को घुमा रहा था पार्क में. मेरे घर के सामने एक पार्क है, एज आई हैव टोल्ड यू. तो मेरे घर के सामने एक पार्क है और आई वाज जस्ट वॉकिंग स्नोई एंड थियासा. तो आई वाज प्लेइंग विद देम इन द पार्क एंड वन गाय अप्रोच्ड मी. देयर वाज अ गाय, नॉट अ गाय, ही वाज अ मैन, अ प्रॉपरली अराउंड 45 ईयर ओल्ड और समथिंग. ही वाज अ मैन और वो ही बिलोंग्ड टू सम विलेज इन यूपी, गाजियाबाद. उसने मुझे बताया वो एक गांव में रहता है गाजियाबाद में. एंड ही वाज ऑफरिंग सम पपीज टू मी. ही वाज एक्चुअली सेलिंग सम पपीज एंड ही वाज अ ब्रीडर. आई वाज शॉक्ड क्योंकि वो सेंट बर्नार्ड भी नहीं बोल पा रहा था सही से. एंड ही वाज ब्रीडिंग देम. आई वाज रियली शॉक्ड. मैंने उनसे पूछा कि आप कितने में सेल कर रहे हो पपीज को. एंड आई वाज अगेन शॉक्ड. He told me that he is selling the puppies for 8,000 rupees. 8,000 rupees. I was all shocked that he is selling Saint Bernards in 8,000 rupees. Then I told him to show me some of the photographs. अगर उसके पास puppies की photographs हैं तो वो मेरे को दिखाए. और उसने अपने phone में मेरे को puppies की photographs भी दिखाई और उसकी mother की photographs भी दिखाई. And I was really shocked again. Thrice, I just didn't know कि मैं उसको क्या बोलूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसको मारूँ या मैं उसको गालियाँ दूँ या मैं उसको क्या दूँ. क्योंकि वो जो पपीज थे, you know, I'll tell you something. जब एक सेंट बर्नार्ड का पपी होता है ऑलमोस्ट 1 month या 1.5 months old, तो वो एक टेडी बेयर होता है. वो बिग टेडी बेयर होता है, you know, like big टेडी बेयर. एंड दे वर लुकिंग जस्ट लाइक, यू नो, स्मॉल. They were like this much of size, and he was telling me they are around 1.5 to 2 months old. I knew they were of the poorest quality, or wo jis conditions mein the, it was really, you know, it was very disgusting. Aur unki jo mother hai usme jaisa ki maine photo se dekha, the thing I took out from the photographs is that there was just pathetic conditions. और वो जो dogs थे, वो जो breed थी, वो poorest quality थी. तो I just want to warn you guys. इसके बाद मैंने घर पर आकर search किया and I saw many people selling puppies on the internet. They were selling Labradors for 3,000 rupees and German Shepherds for 6,000 rupees. And the puppies were, you know, were the poorest of all. तो ये जो आते हैं वो आते हैं पपी मिल्स से. आई टेल यू द प्रोसेस ऑल्सो. पपी मिल्स होते हैं एक एक जगह जहाँ पर लोगों ने फीमेल डॉग्स ला के रख दी हैं और उनको बांध देते हैं. वो बस उनकी मेटिंग कराते हैं, उनको खाना पीना भी अच्छे से नहीं देते हैं, ना ही वैक्सीनेशंस कराते हैं, बस उनसे पपीज करवाते हैं और सेल करते हैं. तो इसके बाद जब 3 or 4 years की एक फीमेल डॉग हो जाती है, उसके बाद ऑब्वियसली अगर हर हीट पे उसके आप बच्चे कराएंगे तो वो एक दिन मरने जैसी हालत तो हो ही जाएगी उसकी. देन दैट टाइम दे जस्ट अबैंडन द डॉग. वो उसको छोड़ देते हैं या दे किल द डॉग. इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट. तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दीज. अगर आपको कोई भी अच्छा डॉग लेना है तो जस्ट, यू नो,
सर्च फॉर द KCII साइट, केनल क्लब ऑफ इंडिया की साइट पर जाइए और रजिस्टर्ड ब्रीडर्स जितने भी हैं प्लीज उनसे लीजिए। और जब भी आप एक डॉग एक पपी लेते हैं उसके साथ एक आपको पेपर मिलता है, KCII पेपर्स होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के, तो प्लीज डू दैट, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग, हम जितनी भी रेड्स कर लें, जितना भी इन लोगों को जेल के पीछे डालें, दिस इज द ओनली थिंग, हम इनका बिजनेस जब तक स्टॉप नहीं करेंगे तब तक ये इन डॉग्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट। तो प्लीज़ स्टे अवेयर, और अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव जिनको भी पपीज चाहिए या डॉग चाहिए, पहले की एज आई टोल्ड यू, पहले देखिए कि अगर वो अडॉप्ट कर सकते हैं कोई होमलेस डॉग को, अगर वो नहीं कर सकते हैं और उनको पपी ही चाहिए तो प्लीज़ टेल देम दिस, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ये एकदम सच है, और दिस एक्चुअली हैपेंड विद मी, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। और अगर आपको कोई भी अच्छा डॉग चाहिए तो ऑब्वियसली वो इतने कम प्राइस में नहीं आता है, इट एक्सीड्स 15,000 फॉर श्योर, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट, एंड येस दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगैन, एंड इफ यू गाइज हैव एनीथिंग टू टेल मी प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, सो थैंक यू अगैन।